प्रेम भैरव सिद्ध गुप्त प्रेम पलिकम त्रिविक्रम मंडलम वीरान अच्युत सिष्टवकम वीरावली पंचकम श्रीमन्माल्य मंत्रासेकम वंदे गुरोर मंडलम गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरु जन्म दिवस का तीसरा दिन सूर्य भगवान अपना प्रताप बताते हुए 45 डिग्री से 48 डिग्री तक का धूप हमारे ऊपर प्रसारित कर रहे हैं। ऐसे समय में साधकों का आना बहुत मुश्किल कठिन भी है, लेकिन जो साधक इस तपस्या में अगर खड़ा नहीं रहा तो फिर वो मेरे साथ तपस्या में आने का क्या मतलब क्या रखेगा, तपस्या क्या करेगा। मैंने इस बार की पत्रिका में लिखा है, मैं अगले 3 साल के लिए उन लोगों को चुनूंगा, उनके लिए परीक्षा रखूंगा, जो इस मेरी परीक्षा में पास हो गए वो 3 साल तक मेरे साथ साधना रखेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम तो जरूर आखिरी तीसरे साल के आखिरी दिनों में सिद्धाश्रम के चौखट पर जरूर माथा टेकेंगे। जो मेरे साथ ये बात अलग है, आपके बच्चों की शादियां हैं, पत्नी से प्रेम है, घर में बहुत धन पड़ा हुआ है, उसका क्या होगा। बड़ी नौकरी है, कल प्रमोशन आने वाला है, उसका क्या होगा। मैं नौकरी करके किस तरह जाना चाहिए, रिटायरमेंट के 2 साल है, मुझे आना चाहिए, मेरी बीवी की मेरी बेटी की शादी है, मैं कैसा हूँ। ये सब आपकी इच्छा है, मैंने निर्णय लिया है। मुझे इस बात का संताप है, आज भी इस बात का दुख है। 17 साल, मैंने कल कहा 17 सालों से मैं आपको साधनाएं देते हुए आ रहा हूँ, लेकिन कोई एक आदमी भी मुझे ये नहीं कहता कि गुरु जी मेरे साथ साधनाएं नहीं हो रही है, मुझे दुख होता है कि मैंने आज तक ये साधना नहीं की। कभी भी आओगे तो केवल यही कह के आओगे कि मुझे बुखार आया है, मेरे बच्चे को सीट नहीं मिला, मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, मेरे दुख है, यही चल रहा है और मैं इसको लेते लेते हुए आज तक आया। अब मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, अब मैं मेरे दिल की करूँगा। इसके लिए मैंने अभी निर्णय ले लिया है ये कि आज के दिन से गुरु पूर्णिमा 75 दिन है, 75 डेज है, आज से 75 डेज गुरु पूर्णिमा है। इस गुरु पूर्णिमा में 41 दिन 41 डेज जो मेरी साधना में मैं जैसा कहता हूँ इसी साधना करके मुझे पास लगेगा, उसे मैं 3 साल तक मेरे साथ रखूंगा। ये बात अलग है कि आपकी जगह नौकरी आपकी जगह, मुझे कोई कारण बताने की जरूरत नहीं है। हमारे बहुत सारे सीनियर्स हैं, उनको 2 दिन में आने 3 दिन आने के लिए उनकी नौकरी, उनका काम, उनकी ये सारी चीजें अड़े आई। आज इतने ही लोग क्यों आए, क्यों वो लोग नहीं आए। कोई किसी को बुखार आया होगा, किसी के बच्चे रुला रहे होंगे, किसी को रात में दोपहर सुबह से काम करके थक गया होगा, कोई नौकरी है, कोई अपने अपने कारण बताए होंगे, अपने अपने कारणों के साथ हैं। मैं कारणों को नहीं देता, लेकिन गुरु से बढ़कर कोई नहीं है कहने वाला ही यहाँ आता है। ये सारी चीजें उनकी बातें। फिर भी मैं कहता हूं कि तुम अगर ये 2 दिन आते थे तो तुम्हारे जीवन के वो अमृत क्षण जो बीते नहीं आते। उस दिन भी मुझे पता है जब मैं गुरु जी ने शिविर करने के लिए कहा था, मैं केवल 2500 पगार महीने की तनख्वाह वाला एक गवर्नमेंट सर्वेंट था, मुझे गुरु पूर्णिमा शिविर करना मेरे बस की बात नहीं थी। लेकिन आज मैं उस शिविर को नहीं करता या उस शिविर को नहीं करता, आज भी मैं दिन नहीं दिखता। आज उस दिन मैं नौकरी की परवाह करता या उस दिन मेरे पैसों की परवाह करता, मेरे बच्चों की परवाह करता, मेरी पत्नी मेरे भाइयों की मेरे घर की परवाह करता, तो आज मैं ये दिन देखने को नहीं मिलता। उस दिन ही मैंने हर हर महादेव करके दोनों हाथ उठा दिए, बोले गुरु से बढ़कर कोई नहीं, और आज तुम ये दिन देखने में तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम्हारे सामने बैठा हुआ। मैं तुम्हारी इच्छाओं के लिए, तुम कितनी भी मेरी इच्छाएं 17 साल से तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण हो या पूर्ण हो ही रही है, आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन क्या आखिर तक भी कोई पूर्ण होने वाली नहीं। कल शादी हुई थी, शादी के बाद बच्चा होने के लिए देर हुआ तो बच्चा हुआ, बच्चा अच्छा पढ़े अच्छी नौकरी मिले उसकी भी प्रार्थना करें, बच्चों की शादियाँ हो गई अब बच्चों को बच्चे होने के लिए प्रार्थना करेंगे। ये दिन तक आ गया 17 साल में, आपकी इच्छाएं कोई पूर्ण होने वाली नहीं, वो तो इक्के पीछे एक लगे वाली है। और मैं आपकी इच्छाएं पूर्ण करते करते मेरी इच्छाओं को मार लेते हैं जी जी रहा हूँ, अब हमने ऐसा निर्णय नहीं करूँगा। ये आने वाले 75 दिनों में 41 दिन जो साधक मुझे देगा वो मेरे साथ सिद्धाश्रम चलेगा, ये मेरा वादा रहा। उन 41 डेज उस 41 दिन की परीक्षा केवल ये होगी। किसी भी सोमवार या गुरुवार से 41 दिन का संकल्प लेना, पांव में चप्पल नहीं पहनेंगे, साधना करते समय पीले वस्त्र पहनेंगे, गुरु चादर पहनेंगे,
हाथ में गुरु जी की स्फटिक माला होगी और एक स्फटिक माला आपके शरीर पर धारण की होगी। वो स्फटिक माला है साधना करने वालों को मैं मेरे हाथ से दूंगा। संकल्प सीधा सीधा है, पहले 10 दिन केवल दही भात खाकर, दही या दूध भात खाकर पहले 10 दिन गुजारेंगे और उस समय का मंत्र होगा ओम परम। ओम परम का 10 दिन में 1,00,000 मंत्र करेंगे। उसके बाद 10 दिन एक समय भोजन करेंगे, तत्वाय का मंत्र जप करेंगे 1,00,000 10 दिन में। उसके बाद 10 दिन तीसरा दिन नारायण का जप करेंगे, केवल फल दूध और इसी के ऊपर दिन गुजारेंगे। और आखिरी 10 दिनों में केवल भिक्षान्न ग्रहण करेंगे, वो भी भिक्षान्न घर में जाकर आपकी लाज मर्यादा अहंकार सब छोड़कर आप 12 से 1 के बीच में 5,000 भिक्षा मांगेंगे और जो अन्न आया वो खा के जो मेरे पास 41वें दिन मेरे पास आएगा मैं उसको मेरे साथ सिद्धासन ले जाऊंगा, मैं आपके साथ बैठा हूँ जरूर ले जाऊंगा। जो इस साधना में मेरे साथ साधना करके आएंगे न्याय और सत्य के साथ, झूठ बोल के नहीं, 5 घर मांगने के लिए भिक्षा जमा करूंगा तो अपने घर में पहले ही बोल के रखेंगे कि मैं भिक्षा को आ रहा हूँ भिक्षा डाल, ऐसी लोतरी नहीं करेगा। क्योंकि इस बात में ऐसी चीजों में एक बार ऐसा ही काम हुआ था। प्रभंजन नाम के एक राजा रहा करते थे। वो राजा एक बार अगस्त्य महर्षि के आश्रम में गए और उन्होंने उनके साथ बैठे बैठे बात करते रहे तो उनको वो दीक्षा में थे, उनके गुरु उनके पास आए और उन्होंने अपनी बात से बात करते हुए कहा कि हे गुरु आप क्या कर रहे हैं। बोले मैं बहुत दिनों से तपस्या रत हूँ, मेरे लिए दूध लेके आ, कहीं गाय से दूध मिलता है तो सेवा के लिए गाय का दूध लेके आ। वो गए, कहीं जंगल में गाय नहीं मिली तो बकरी का दूध लेके आए और बोले महाराज जी ये बकरी का ये गाय का दूध है पी लो। महाराज तपस्वी थे, उन्होंने कहा जिस झूठ बोलकर तुमने मेरे एक बकरी का दूध लाया है इस झूठ का प्रायश्चित मैं तुझे देता हूँ, तू इस झूठ के कारण एक महान तपस्वी की तपस्या भंग करने के लिए देखा है, उस बकरी जिस बकरी का दूध लाया है उस बकरी को खाकर ही तू जी, ऐसा है मुझे श्राप देता हूँ तुझे, तू व्याघ्र बन जा और उसको व्याघ्र बनने का श्राप दे जा। महाराज गिड़गड़ाए, प्रार्थना करी, बोले मुझसे गलती हो गई, आप मुझे इसका कोई मार्ग बताओ। बोले इसका मार्ग है जिस दिन तुझे एक योग्य गाय तुझे क्षमा करेगी, तुझे क्षमा की भिक्षा कहेगी और तुझे क्षमा क्या कहेगी उस दिन तेरे पाप का प्रायश्चित होगा। यही बात बाद में ब्रह्मा की पुत्री सरस्वती जब ब्रह्मा जी के पास गई और कहा कि गंगा यमुना जैसी नदियां श्रेष्ठ बनकर अपनी अपनी जगह बह रही है और वो पुण्य का कार्य कर रही है, मेरा पुण्य का कार्य क्या है। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम भी नदी बनकर बह जा, लेकिन ब्रह्मा जहाँ साक्षात रूप प्रत्यक्ष रूप में रही है मैं वहां बहूंगी, बहनी भी लगूंगी तो आप मेरे पिता कहाँ है, आप आशीर्वाद देने वाले मेरे पिता कहाँ है। तो तब से सरस्वती को गुप्त रहकर बहनी का वरदान मिला। लेकिन सरस्वती जब गुप्त रहकर बह रही थी तो एक बार ऋषि पुलस्त्य महर्षि उस नदी से जा रहे थे और उन्हें गंगा यमुना का दर्शन किया, सरस्वती माता का दर्शन नहीं लिया। तो उन्होंने कहा सरस्वती तू ऊपर आकर मुझे दर्शन दे, ये दर्शन का कार्य नहीं हुआ। तो वो श्राप देने गए, उतने में सारे सप्तऋषि बाहर आए और पुष्कर में माता सरस्वती का दर्शन होगा जहाँ ब्रह्म पुष्कर है ऐसा कहा। माँ सरस्वती ब्रह्म पुष्कर में आए, सारे ऋषियों को उन्होंने दर्शन प्रदान किया। सरस्वती दर्शन प्रदान करने के बाद जब आई तो वो एक पुण्य सलीला सरस्वती माता को उन्होंने कहा कि यह तो श्रेष्ठता की सरस्वती है, तुम्हें क्या करना है। तो माता ने ब्रह्मा जी ने कहा हे सरस्वती तू जिस कारण अदृश्य रूप में बह रही है अगर तुझे दृश्य रूप में किसी की सहायता करनी है तो तुझे एक वरदान देता हूँ, तू सबसे पूजनीय माता गायत्री के रूप में गाय के रूप में अवतार ले रही और तुझे इस संसार में नंदा का नाम देकर मैं तुझे इस संसार में गाय के रूप में दे, तू जब चाहेगी सरस्वती बनोगी और जब चाहेगी गाय का रूप धारण करोगी। जब नंदा के रूप में गाय बनकर वह जंगल में रहने लगी तब एक दिन वो अपने बछड़े को बहुत दिनों के बाद बहुत सुंदर गाय थी उसका बछड़ा हुआ और उस बछड़े को लेकर अपने गाय दूध देते हुए जंगल में जा रहे थे, गाय के झुंड जा रहे थे। जाते समय एक ही गाय जंगल में एक जगह चली दूसरी गाय दूसरी तरफ चले गए तो उस गाय ने जब सामने गया तो सामने एक व्याघ्र सामने आया और उस व्याघ्र ने गाय को देखते कहा ठहर जा, आज मुझे भगवान ने तेरे को भक्ष बनाने का एक वरदान दिया है, आज तुझे मैं खा जाऊंगा। नंदा की आंखों में आंसू आ गए, उसे अपने बछड़ी की याद आई जो बछड़ा केवल दूध पर घास भी नहीं खाता
दो तीन दिन ही हुआ बछड़ा हुआ है, उसको घास भी खाना नहीं आता और तुम मुझे खाने की बात कर रहे हो। हे व्याघ्र, मैं तुम्हें प्रार्थना करती हूँ, एक बात मेरी सुनो। तो उसने कहा, तुम्हारी बात क्या सुनेगा? मैं शपथ खाकर कहती हूँ, जो अगर मैं मेरे बछड़े को दूध पिलाकर वापस न आई और उसका खाने पीने का इंतजाम न करके वापस आई, तो मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। मुझे वो पाप लगेगा जो ब्राह्मण घर में आने के बाद उसको अतिथि सत्कार न देकर, खाने पर बुलाकर उसको खाना न खिलाकर भेज देने से जो पाप लगता है, वो पाप मुझे लग जाने दे अगर मैं फिर वापस के लौट कर नहीं आई। मुझे वो पाप लगेगा एक देवता को किसी बात की मन्नत करके पूर्ण न करने पर जो पाप लगता है, वो पाप मुझे लगेगा। गंगा को दूषित कहने से जो पाप लगता है, वो पाप मुझे लगेगा अगर मैं लौट के नहीं। इस प्रकार वो एक के बाद एक शपथ लेने लगी व्याघ्र को कि मुझे एक बार मेरे बछड़े को दूध पिलाकर आने दे। और उसकी आंखों में आंसू थे। व्याघ्र ने देखा, कहा कि इसकी आंखों में आंसू है और सत्य कह रही है। तो उसने कहा, मैं यहीं तेरा इंतजार करता हूँ, तू जाकर मेरे बछड़े को दूध पिलाकर आ। लेकिन व्याघ्र को लगा, अगर तू नहीं आई तो मैंने तो शपथ ली है, नहीं आए तो उस पापों को भोगूंगी, तेरे पाप के भोगने से मेरी भूख तो मिटने वाली नहीं है, ऐसा व्याघ्र ने कहा। तो अगर तेरी भूख नहीं मिटी तो मैं सप्त जन्म तो तेरा ही आहार बन के रहूंगी। ये भी बात कहते हुए नंदा अपने घर गई। वहाँ बछड़ा था, बछड़े को देखकर बछड़ा भागते हुए आया, वो दूध पीने लगा। तो नंदा ने कहा कि हे गाय के दूध मेरे बच्चे, आज ये तेरा अंतिम बार मैं दूध दे रही हूँ, कल से मुझे तुझे दूध देने वाला नहीं होगा। मैं यहाँ से जा रही हूँ और तू मुझे तेरे जीवन का लक्ष्य तुझे देखना है। उन्होंने दूसरे गायों को बुलाया और कहा कि मैंने ऐसा वचन दिया है, मैं व्याघ्र का भक्ष होने जा रही हूँ, यह मेरे बछड़े को आप सब लोग देख लेना। तो सभी गायों ने कहा कि अपने प्राण को बचाने के लिए सालाम झूठ बोल सकते हैं, तुम भी झूठ बोल दो। तो गाय ने कहा, नहीं, मैं वचनबद्ध हूँ, मैंने वचन दिया है, मैं व्याघ्र के लिए भक्ष बनने के लिए जरूर जाऊंगी, लेकिन तुम ये वचन दो कि मेरे बच्चों को देखेंगे। सभी लोग अपनी अपनी जगह हथप रख गए। तो बच्चा कहने लगा कि माँ तू चिंता मत कर, मैं भी तेरे साथ आता हूँ। जो अपना पुत्र अपने माता को अगर माता के साथ नहीं मरता है, माता की रक्षा नहीं कर सकता, तो पुत्र किस काम का, मैं तेरे साथ आता हूँ। लेकिन कहा कि माता ने कहा कि हे बेटा, तूने जो कहा है बात सच है, कोई माता अपने पुत्र को अपने साथ मरते हुए नहीं देखती और मैं तुझे भी मेरे साथ मरते हुए नहीं देखना चाहती। मेरे कारण तू मेरे से जन्म लेकर मरता है तो वो पाप मुझे भी लगेगा, वो पुत्र हत्या का पाप होगा। तो किसी भी तरह मेरे वचन को मानकर तू यहाँ रह जा, इन सभी को देखते हुए तू रह जा, मैं मेरा वचन पूर्ण करके आती हूँ। बछड़े को उसने दिया और वो फिर व्याघ्र के पास चली गई। व्याघ्र के पास चली गई और व्याघ्र के सामने खड़े कर, देख व्याघ्र, मैं तेरे पास आ गई हूँ, अब तू मुझे भक्ष कर सकता है। तो उसने कहा कि मैं पहली बार एक पशु को इतनी श्रेष्ठता से देख रहा हूँ जो अपने वचनों को बद्ध होकर यहाँ आई है, तू कौन है, ऐसा उसने कहा। तो उसने कहा, मैं नंदा नाम की गाय हूँ, ब्रह्मा की पुत्री हूँ, सरस्वती नदी के रूप में और गाय के रूप में यहाँ रहती हूँ, तुझे भक्ष करता है। जैसा ही नंदा का नाम लिया, वो व्याघ्र अपने आप का शाप मोचित हो गया और ब्रह्मचंद राजा फिर अपने रूप को धारण कर लिया। तो इन दोनों के इस क्षण को देखने के लिए वहां से जाने वाले जिस ऋषि के रूप में इन्होंने ब्रह्मचंद राजा को श्राप दिया था, वो ऋषि वहाँ आए और उन्होंने कहा कि मैं धर्मराज हूँ, मैं यम धर्मराज हूँ, यहाँ आया हूँ आज नंदा को श्रेष्ठता देने के लिए, जो सरस्वती नदी में नंदा के पास श्राद्ध और श्राद्ध कर्म करते हैं या पिंड प्रदान करते हैं, उनके पुत्रों का उद्धार होता है। जब ये बात पता चली नंदा के बेटे को कि मेरी माँ को व्याघ्र ने छोड़ दिया है उसके सत्य के कारण, तो बछड़ा भागते हुए आया और माँ के पास आकर कहने लगा कि माँ, तू तो बच गई, तूने तो कहा है। तो उन्हें कहा कि हाँ, यम धर्मराज वहाँ खड़े थे। तो उन्हें कहा कि मेरी माँ को मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ, मेरी माँ की मैं किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ। तो धर्मराज ने कहा कि तू तो ये तेरी माँ सरस्वती नदी भी है, कभी नदी बनती है और कभी गाय बन सकती है, वो तो अदृश्य रूप में रहती है, फिर नदी बन गई तो मेरा क्या, मुझे कौन खाना खिलाएगा। तब कहते हैं कि ब्रह्मा यम धर्मराज ने उस बछड़े का नाम नांदी रखा और कहा कि यहाँ सरस्वती नदी में जो भी पिंड दिए जाएंगे वो पिंड तुझे खाने के लिए दिएगा, उसको उसका नाम होगा नांदी श्राद्ध। और नांदी श्राद्ध देने के बाद उस नांदी श्राद्ध के कहने से उस दिन से वो नांदी श्राद्ध की प्रथा आरंभ हो गई और ये प्रथा चली। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आपको भी मुझे वचन देना होगा कि आप 41 दिन करते हैं तो सत्य वचन के साथ ये कार्य करके आए हैं, हमने आपका नहीं तो उसी पाप के भागी आप भी होंगे। कोई नहीं आया, किसके साथ नहीं हुआ, तो कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं अकेला जा सकता हूँ, मैं अकेला जाऊँगा। लेकिन ये 3 वर्ष उसी सिद्धाश्रम की प्राप्ति के लिए जो गुरुजी ने सिद्धाश्रम साधक परिवार की स्थापना की है,
कोई डंगे की चोट पे ये कह सके आज गुरुजी का शिष्य कि मैं गृहस्थ रूप में गुरुजी के डॉक्टर नारायण दास तिवारी जी गुरु के शिष्य के रूप में मैं सिद्धाश्रम पहुंचा उनका मंत्र जप करते हुए कोई एक बार कम से कम इस 3 साल में कह सके आप कहीं भी भारत में घूमो कहीं उसके चरण पहले छूता हूं जिसने ये बात कही। और ये कार्य नहीं हुआ तो मैं गुरु कार्य नहीं कर रहा हूँ। मैं निखिल चेतना केंद्र की स्थापना करने में मेरा कोई उद्देश्य यह नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं था। आज भी यहाँ मैं किसी स्वार्थ से निखिल चेतना केंद्र की स्थापना नहीं किया हूँ, इससे कोई आमदनी के लिए मैंने नहीं किया हूँ। निखिल चेतना केंद्र केवल साधना के रूप में, साधना की स्त्री के रूप में मैंने इसकी स्थापना की और आज 17-18 वर्षों से केवल यही कार्य करते हुए आया हूँ कि आप साधना करें, सिद्ध हो, सिद्धाश्रम की सिद्धाश्रम के उन सीढ़ियों पर आप कदम रख सके इसके प्रयत्न में रहा। लेकिन उस प्रयत्न में आज मैं अपने आप को असफल और असमर्थ मानता हूँ कि मैंने किसी को ऐसा तैयार नहीं कर सका। इसके लिए पहले अपने आप की बलि चढ़ाता हूँ, पहले अपने आप को साधना के ऊपर जाता हूँ और उसको करके बताता हूँ कि संसार में कोई कह ले कि गृहस्थ भी सिद्धाश्रम की सीढ़ियों तक पहुँचा था जो परम पूज्य सद्गुरुदेव स्वामी कृष्णानंद जी का शिष्य था और वो गृहस्थ रूप में भी गया। इस बात को मैं इस संसार में बताना चाहता हूँ कि ऐसा हुआ है। और जब तक हम सत्य वचन होकर काम नहीं करेंगे, जब तक साधना के रूप में हम यहाँ अवतरित नहीं होंगे और साधना नहीं करेंगे, हम गुरु जी के वचनों को सिद्ध करने वाले नहीं करेंगे। बहुत कुछ हो गया, मैं बहुत बार तुम्हें चिल्लाता रहा, कहता रहा ये साधना करो वो साधना करो तुम सिद्ध हो जाओ, केवल मेरे से यही बात करते रहे कि मेरी ये कामना पूर्ण नहीं हुई, मेरी वो कामना पूर्ण नहीं हुई, मैं ऐसा जीऊँगा, मैं वैसे जीऊँगा। कभी आपने एक बात नहीं की कि सिद्धाश्रम के उस आपके कार्य में मैं संविधा बनकर आपके साथ हूँ और मैं इस परीक्षा इस गुरु पूर्णिमा पर एक देखना चाहता हूँ कि मेरे साथ कितने लोग मेरे साथ आ रहे हैं। कोई ना आए तो इसकी चिंता नहीं और आपको कोई जबरदस्ती भी नहीं है, मैं ये भी बार बार कह रहा हूँ। आपकी दिल से आपको हो सकता है तो इस 41 दिन को इस 75 दिन में 41 दिन करके जो साधना रथ होकर मेरे पास आएगा उसे मेरे साथ 3 साल रखकर मैं आगे हिमालय के चंद्रावन तक पहुँच जाऊँगा, ये मेरा वचन है।